गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक स्पेशल डिश, और यहाँ पर पहले मैंने बनाया है आलू मटर का सब्जी, और यहाँ पर बनाया पत्ता रोटी जो झारखंड स्पेशल है, और दूध। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले 500 ग्राम जो उष्ण चावल होता है उसको लिया गया है, 250 ग्राम उड़द दाल होता है वो दोनों को मिला के यहाँ पर भिगो के रखना है 5 से 6 घंटे तक। उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लेना है, और पानी जो है उसको एक्स्ट्रा पानी जो इसको निकाल के फिर इसको इस कंसिस्टेंसी में पीसना है। ज़्यादा पतला आप मत पीसिएगा, जो दही बड़ा जब आप बनाते हैं उसका जो कंसिस्टेंसी होता है, जो थिकनेस होता है, उसी थिकनेस में आपको इसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया है, और अब इस अदरक के पेस्ट के साथ जो चावल और दाल पीस के हमने रखा है उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये देसी फूड है तो आप हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और इसके साथ साथ आपको नमक दे देना है स्वाद अनुसार। तो मैंने यहाँ पर इस कंसिस्टेंसी के साथ इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक यूज़ किया है। तो अब इस डिश के लिए सबसे मेन जो पॉइंट है पत्ता रोटी, तो इसके लिए चाहिए पत्ता। तो यहाँ पर पत्ते के ऊपर पानी देके अच्छा से पानी देने के बाद ये जो पेस्ट है ये हाथ से इस तरह के से आपको लगाना पड़ेगा। और आपका जो इडली का जो चाँच होता है जिसमें इडली बनता है उसी चाँच में आपको इस तरह से बैठाना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई ओरिजिनल पत्ता है, जैसे कटहल पत्ता या फिर साल का पत्ता जो है उसमें अगर आप बनाएंगे तो ये और भी अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपके पास पत्ता नहीं है, आप किसी सिटी में रहते हैं और आपको ये डिश बहुत अच्छा लग गया, तो आप इस तरह से जो थाली आता है उसका पत्ता तोड़ के भी आप लोग बना सकते हो। इसका मेन पॉइंट है आपका जो ये पेस्ट बना है ये प्रॉपर इस तरीके थिकनेस होगा तो ही ये रोटी बनेगा। तो पानी बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो आपका ये बनेगा नहीं। तो दही बड़ा बनाने के लिए जो थिकनेस होता है तो उसी थिकनेस में आपको बनाना है, या फिर आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जिस थिकनेस में ये बना है इसी थिकनेस में आप रखेंगे तो ये बहुत ईजीली ये रोटी बन जाएगा। और आपको अब दिख रहे वीडियो में जिस तरह से यहाँ पर मम्मी सेट कर रही है इसको लगाने के लिए, उसी तरह से आपको भी इस बॉयल में इस तरह के से सेट करना पड़ेगा। और ये खुलेगा नहीं, ये चिपक के ही रहेगा। तो इसको ऐसे थोड़ा सा पानी गरम करके ही आप, मतलब इतनी छाछ को गरम पहले पानी बैठा दीजिएगा, उसके बाद ही एक एक करके इसको डालते जाइएगा और इस तरह से इसको सेट कीजिएगा। तो देख रहे हैं ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। और इसको इसमें क्या होता है कि आप एक ही बार में पूरा 20-25-30 को रोटी एक साथ बना सकते हैं, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। और आप हाथ से बनाएंगे तो जल्दी जल्दी ये बन जाएगा। और अब देखिए इसको हम लोग बंद कर दे रहे पकने के लिए। पहले इसका स्टीम जो है वो हाई फ्लेम में ही रहेगा, और जब पानी पूरा बॉयल हो जाएगा तो इसको मीडियम आंच में रख के इसको पकाना है। टाइमिंग का अंदाज जो है ये 30 मिनट्स तक तो लगेगा पकने के लिए, लेकिन पकने के बाद भी आपको इसको चेक करना है। तो ये जब तक पकता है तब तक हम लोग बना लेते हैं आलू मटर का सब्ज़ी। तो मटर आलू सब्जी बनाने से पहले मैंने यहाँ पर मसाला रेडी करूँगी। मैंने यहाँ पर लिया है 1 प्याज, जो आधा प्याज मैं यहाँ पर मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। काजू लिया है मैंने 12 से 15 पीसेस, और यहाँ पर लिया गोलकी लिया है 5 से 6 पीसेस, लहसुन लिया है 5 से 6 पीसेस, मिर्चा लिया है, तो तीखा आप अपने हिसाब से देंगे, और टमाटर 1 लेके मैं इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी। तो मसाला मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है, पीसने के बाद ऐसा एक कलर आया है। और यहाँ पर मैं कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई में मैंने 2 टीस्पून जैसा मैंने ऑयल लिया है, और उसमें तेज़पत्ता और जो प्याज आधा टुकड़ा है उसको मैं, प्याज जो है थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा तो मैं यहाँ पर मसाला डाल दूँगी। और मसाला डालने के बाद मैं इसको थोड़ा धीमी आँच में थोड़ा पानी दे के अच्छे से मसाला को फ्राई कर लूँगी 10 मिनट्स तक। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी नमक। मैं यहाँ पर रॉक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर रॉक सॉल्ट यूज़ करूँगी। आप नमक अपने स्वाद अनुसार यूज़ कीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पर हल्दी दूँगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर हल्दी यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं दूँगी यहाँ पर जो धनिया का पाउडर होता है वो धनिया पाउडर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मसाला मेरा रेडी हुआ है। यहाँ पर मैंने आलू बॉयल किया है, अभी नया आलू हुआ है तो मैंने कुकर में यहाँ पर 3 सीटी देके इसको बॉयल कर लिया है। और आलू को मैंने ऐड करने के बाद यहाँ पर जाएगा मटर जो मैंने छील के रखा था, वो मटर मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
आलू और मटर को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर 5 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी और उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी गर्म पानी, जो मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास मैंने गर्म पानी यूज़ किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा झोर झोर चाहिए, तो इसीलिए मैं इसमें 1.5 ग्लास गर्म पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर पानी देने के बाद मेरा सब्ज़ी इस तरह का एक कलर आया है, बहुत खूबसूरत। और इसमें मैं ऐड करूँगी लास्ट में धनिया पत्ता, और बस 1-2 मिनट के बाद चलाने के बाद मैं इसको बंद करके रख लूँगी। तो यहाँ पर मेरा आलू मटर का सब्ज़ी भी रेडी हो चुका है। आफ्टर 30 मिनट्स हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे जो हमारा पत्ता रोटी है वो कहाँ तक पका है, और हमें देख के तो लग रहा है ये पक गया है, तो इसको चेक कर रहे हैं। आप कोई भी, अगर आपके पास तिनका है तो तिनका से, या फिर आपके पास छुरी जो है उसको दबा के अब देखिएगा कि उस पर पूरा लग रहा है कि नहीं। अगर लग रहा है तो आपका ये नहीं पका है, और नहीं लग रहा है तो ये पूरा पक चुका है। जैसे हम लोग केक बनने के बाद टेस्टिंग करते केक पका है कि नहीं पका है, उसी तरह आपको इसको चेक करना है। तो यहाँ पर ये पक चुका है, और यहाँ पर मैं और एक बार आपको इसको चेक करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से पक के इस तरह का एक कलर आएगा, और इस तरह से आपको इसको चेक करना है। तो यहाँ पर पक चुका है, ये रेडी है। तो यहाँ पर आप हम लोग थाली सजाते हैं। यहाँ पर मेरा जो पत्ता रोटी है वो बन चुका है, और उसके साथ मैंने लिया है सब्जी, और इसके साथ मीठा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा दूध और गुड़ भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अगर आपको मीठा इसके साथ खाना है या मीठा करके खाना है तो आप दूध और गुड़ के साथ भी इसको ले सकते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।